हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। और चलिए, आज हम इस वीडियो में दोस्तों आपको बहुत ज़बरदस्त जगह दिखाने वाले हैं। और आज मैं आया हूँ रामबाग। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में, आपको राम गार्डन दिखाता हूँ। तो अभी हम अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि ये मैं अभी जस्ट आया और यहाँ पर थोड़ा कोशिश करूँगा अंदर जा के दिखाने का। और पहली बार आया यहाँ पर, तो चलिए मैं भी इसके बारे में उतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करते हैं आपको भी दिखाने का और मैं भी देखूँगा। दोस्तों, जैसे एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है मंदिर। तो एंट्री से पहले ये है, और दूसरी बात कि बच्चों के लिए खेलने के लिए ये, और यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ऐसा यहाँ से एंट्री करेंगे और चलिए हम एंट्री कर रहे हैं। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में, हम आपको दिखाने वाले हैं और भी इसके अंदर। वैसे दोस्तों जस्ट मैं एंट्री किया हूँ, तो ये वाला एरिया छोड़ के अभी मैं फ़िलहाल तो ये वाला रास्ता चुनूँगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाने का रास्ता है। और पूरा गार्डन को दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, और बताने वाला हूँ इस जगह को, यहाँ पे क्या किन किन चीज़ क्या क्या सुविधा है और क्या क्या आपको खेलने के लिए है, और घूमने के लिए देखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम भी देखने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल में बने रहिएगा, ताकि हम आपको पूरा वीडियो दिखा पाएँ। और दोस्तों, ये जो तालाब देख रहे हैं, इस तालाब के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर एक नोटिस लगा हुआ है, जो कि आपको इसको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, इस खूबसूरत नज़ारे के बारे में क्या बताऊं, बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए ये खूबसूरत नज़ारा हम आपको दिखाने वाले हैं। पिंकुस ब्लॉग एक बार आपको फिर से दिखाने वाला है। दोस्तों ये जो गार्डन है बहुत ही बेहतरीन है। वैसे सुना था मैं इसके बारे में, लेकिन आने का मौका नहीं मिल रहा था। तो चलिए आज हम आ ही गए, तो हम भी देख लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं। और दोस्तों, ये जो दिल वाले शेप में बने हुए हैं, इसके बीच में आपको दिखाई देगा ये छोटा छोटा लाइटिंग जो है, और ये मैंने सुना है कि रात में बहुत ज़बरदस्त दिखाई देता है, और रात में तो खूबसूरत लगेगा ही ना, क्योंकि लाइट जलता है। तो हम वैसे यहाँ पे रुकने वाले हैं, करीब टाइम तो थोड़ा सा कवर करेंगे। और कितना खूबसूरत नज़ारा होगा जब हम उस शाम का इंतज़ार कर रहे हैं जब लाइट जलते हुए देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वैसे दोस्तों यहाँ पे पब्लिक आते हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल से धूप है, इसलिए शायद अभी नहीं आए हैं। धीरे धीरे समय के साथ आते जाएंगे। और हम आपको पॉइंट दिखाएंगे, जो यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत सारे पॉइंट हैं आपको फोटोग्राफी करने के लिए। यहाँ पे वीडियो, वैसे यहाँ पे ऐसा कोई कुछ लिखा नहीं है कि आप यहाँ पे वीडियो शूट नहीं करते, फ़ोटो नहीं ले सकते, क्योंकि गार्डन है दोस्तों। तो फोटो इंसान आएगा तो फ़ोटो लेगा ही, इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ नोटिस नहीं दिया गया है। तो हम भी वीडियो बना रहे हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतना ज़बरदस्त गार्डन, मतलब कि इस एरिया में देखना बोले तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट जो है, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, सावधान प्लीज़, यहाँ पे इस पे हाथ डाले नहीं, क्योंकि ये जो क्योंकि इसके अंदर दोस्तों मोटर वगैरह लगा हुआ है, लाइट वगैरह लगे हुए हैं, तो इस पे करंट आ सकता है, इसके लिए आपको सावधानी बरतना है। और यहाँ पे देखें बोर्ड क्या क्या लगा है, नोटिस के बारे में ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुछ कुछ चीज़ों को देख लें, ताकि ऐसा चीज़ ना हो, हमसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि कई बार हम जाने अनजाने में गलती कर जाते हैं जब हम नोटिस नहीं देख पाते हैं। तो आशा करूँगा कि आप उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए काम करें, कोई गलती ना करें, बस मेरा कहना यही है। बाकी गार्डन के बारे में क्या कहूँगा, और यहाँ पे आके आप फोटो भी खिंचा सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों, हम आपको इसको कुछ थोड़ा सिनेमेटिक शॉट में दिखाने वाले हैं। वैसे दोस्तों, अगर इस दिल से अगर मन भर गया होगा तो चलिए हम आपको बहुत बेहतरीन चीज दिखाते हैं। आपको ये जो पत्थर है यहाँ पे, ये वाला, ये छोटा छोटा, इसको बाहर मत डालिएगा, ये पेड़ के अगल बगल में ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आने के लिए आपको थोड़ा मोड़ा ये रेती जैसा दिख जाएगा, तो इसके बीच में चलने के लिए आपको, जैसे कि बहुत और भी वीडियो में देखे होंगे आप,
तो यहाँ पे चलने के लिए है बहुत सारे पत्थर, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एरिया है यहाँ पे बैठने के लिए एरिया है, और आके यहाँ पे आप लोग आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और ये जो यह है स्टेज जैसा बना हुआ है और बहुत बेहतरीन जगह है ये। और जैसे कुछ मेरे ख्याल से फंक्शन वगैरह होता होगा तो यहाँ पे स्टेज जैसा बना हुआ है बैठने के लिए। और दोस्तों ऐसे ऐसे हमारे साथ ब्लॉगर बहुत हैं, ये मेरा फैमिली है और फोटो खींचने की कोशिशें देख रहे हैं। ये ऐसा जूम करते हैं, अच्छा आइए। तो ये जो ये रोड है, ये वाला रोड जो है ये दो भागों में बटा हुआ है, तो इसको कृपया करके इधर उधर से पार ना करें। इसके लिए रास्ता ऑलरेडी आगे से दिया हुआ है, तो आप आगे से जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम किसी चीज़ का ख्याल रखते हैं तो वो हमारा ख्याल रखता है, क्योंकि गार्डन है ये। तो बने रहिए इस गार्डन की वीडियो में, आपको हम बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं, और मेरे ख्याल से तो ये रात में और भी खूबसूरत दिखने वाला है। वाओ, बहुत ज़बरदस्त ना दोस्तों, खूबसूरत चीज़ों को खूबसूरत। वैसे दोस्तों ये हमें कुछ 10 रुपया का नोट मिला है, तो किसी भाई का अगर 10 रुपये का नोट अगर गिरा हो तो हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर उनको वापस करना चाहेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे अगर यदि गाड़ी लेके आते हैं तो यहाँ पे गाड़ी पार्किंग का सुविधा इतना ज़बरदस्त है कि आपको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। जैसे आप एंट्री करते हैं वैसे ही आपको पार्किंग मिल जाएगा, पार्किंग कीजिए गाड़ी का, उसके बाद फिर गार्डन एंट्री कीजिए, और यदि क्रिकेट फुटबॉल जो भी खेलते हैं तो बगल में आपको मिल जाएगा पार्किंग के ठीक लेफ्ट साइड। क्योंकि आप जब यहाँ पर एंट्री करते हैं तो आपको राइट साइड आना पड़ेगा, और राइट साइड से तो आपको ग्राउंड लेफ्ट साइड ही पड़ेगा। और बाकी इस गार्डन से निकलने के बाद आपको खाने पीने का भी सुविधा है बहुत सारा, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। बाकी तो हम आपको दिखाने वाले हैं, बने रहिए हमारी वीडियो में।
गार्डन को घूमने के बाद हमको लगा बहुत जम के, बताऊँ क्या? नहीं ना, तो यहाँ पे जाना है हमको, और बहुत अच्छी जानकारी दूंगा आपको, ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत, मुझे एक ही चीज़ लगता है कि भाई पब्लिक के लिए सुविधा चाहिए ही चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया गया है वो सबसे अच्छा है। तो क्योंकि पब्लिक का एक डिमांड रहता है भाई, कुछ भी हो खाने पीने का नहीं मिलेगा, लेकिन ये चाहिए ही चाहिए, ताकि दूसरे जगह में गंदा ना करे पब्लिक, इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम अंदर जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं उस समय का इंतजार कर रहा हूँ जब ये सारी लाइटें जलेंगी, यहाँ पे जब लाइटें जल लेंगी तो बहुत खूबसूरत दिखने वाला है। उस समय का थोड़ा इंतजार करेंगे और इस लाइट को भी देखेंगे कि भाई ये दिल जैसा बना हुआ सेब लाइटिंग में कैसा दिखता है, क्योंकि हमने इसको यूट्यूब के कुछ वीडियो में देखे थे। तो चलिए इसके नज़ारा भी आपको दिखाएंगे शाम होते होते। दोस्तों घूमने आओ तो घूमने का मज़ा लो, बहुत बड़ा गार्डन है। सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ पे जब आएंगे तो एक ही जगह रह के आपका मन भर जाएगा, तो पूरे गार्डन में क्या घूमेंगे आप, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहाँ कहाँ घूमूं, एक ही जगह में पूरा मन जो है संतुष्ट हो जाता है। वैसे दोस्तों पूरे गार्डन में घूम घूम के थक गया, तो मैं सोचा थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, और आराम कर रहा था, और आराम में भी आपको ये देखिए ये सारे पूरे हरे घास दिखेंगे आपको, जो कि घूमने के लिए बहुत ज़बरदस्त एरिया है, ये देख सकते हैं। और बगल में वॉशरूम है, अगर यहाँ ये सारी सुविधाएँ दी गई हैं। पहला तो मैं उस किनारे गया था, वो वाले साइड में, जो कि आपको जैसे एंट्री करते हैं वहाँ से सीधा ही जाएंगे तो सामने एक वॉशरूम मिलता है, और यहाँ पे एक वॉशरूम है, और यहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे एक मंदिर भी है। वैसे मंदिर को देखा नहीं हूँ कि कौन सा मंदिर है, पर है। और थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ क्योंकि गार्डन को घूम घूम के, यार जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ पे आएंगे तो आपका मन नहीं भरेगा, तो घूमोगे तो कितना। थोड़ा वहाँ पे पेड़ पौधा का कटिंग किया जा रहा है, क्योंकि जो डगाल अच्छे नहीं दिखते हैं उसको काटे जाते। और आपको एक चीज़ दिखा दूं मैं, ये देखें अभी धीरे धीरे शाम हो रहा है, तो ये लाइटें जो हैं यहाँ पे जला दी गई हैं, हरा लाइट जो दिख रहा है, और ये लाइट जो है दोस्तों आपको शाम होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तो ये सूरज का रोशनी देख रहे हैं आप, तो अभी सूरज का रोशनी है तो उतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन सूरज का रोशनी जैसे ख़त्म हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा एक्चुअल में यहाँ पे लाइटिंग की गई है, वो लाइटिंग आपको कैसा दिखेगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम भी यहाँ पे थोड़ा शाम का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ये जो आपको मैं बताया कि ये जो दिल वाला वो ये भी जल चुका है वैसे, तो ये तो यार शाम को ही पता चलेगा ना, थोड़ा अंधेरा होने के बाद। तो चलिए देखेंगे अंधेरा होने के बाद कैसा दिखता है, तो बने रहिए। और झूला में बैठ के आप झूला झूल कदम तो फुल कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए बैठने के लिए भी बहुत अच्छा सुविधा है, और तो दोस्तों जिस शाम का इंतजार कर रहे थे वो शाम अभी आ चुका है, और ये लाइट वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे बहुत खूबसूरत नज़ारा, और हम भी इसके अंदर जाएंगे क्योंकि इस नज़ारा का ही तो मजा लेने आए हैं।
तो चलिए हम यहाँ से अंदर जाएंगे, क्योंकि एंट्री जो है यहाँ से है और इस एंट्री के लिए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में हम यहीं से आए थे और तो कैसा लगा ये राम गार्डन का वीडियो आप बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है। और ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से हम यहाँ से बाहर जाएंगे और बाहर जाने के बाद फिर से एक बार इस बच्चों के गार्डन में जाएंगे, जहाँ पे कि अब आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे बच्चे लोग को बच्चों के लिए भी खेलने के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो ये देख सकते हैं। वैसे दोस्तों एक समय था कि हम लोग भी ऐसा जगह ढूंढते थे कि कहाँ पे झूला मिलेगा, कहाँ पे ये सारे चीज़ें हैं जो हमको सुविधा नहीं मिला, पर आज सारी चीज़ें डिजिटल जैसा हो गया है कि गार्डन में हमें ये सुविधा मिलता ही है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि मैं उन सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की जो यहाँ रामबाग में है। तो चले अभी शाम का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद फिर हम ये लाइटिंग जो है आपको दिखाएंगे। और जो लाइटिंग है इसको हम सिनेमैटिक शॉट में दिखाएंगे, क्योंकि रात में हमारा वीडियो तो आएगा नहीं, तो हम सिनेमैटिक शॉट में दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों एक चीज़ें बता देता हूँ, इस प्ले ग्राउंड में जैसे आते हैं तो यहाँ पे बोर्डिंग बोर्ड लिखा हुआ है, वहाँ पे नोटिस बोर्ड है कि 10 साल से ऊपर के लिए नहीं है, जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया। सो हाय दोस्तों, अभी तक मैंने जितने भी वीडियो दिखाए जो कि सूरज का रोशनी था तब तक का वीडियो था, और अभी जितने मैं वीडियो दिखाऊंगा वो अभी ये शाम का वीडियो है जो कि आपको सिनेमैटिक शॉट दिखाया जाएगा। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में और बताइएगा ज़रूर ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में, तब तक के लिए once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too, sneaking looks up and down from across the room, and damn what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait, our first time, our first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place, I feel my heart erase, so catch me if I
तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे दिखाए गए वीडियो आपको पसंद आएंगे। और ये अभी शाम हो चुका है, मैंने दिन का भी वीडियो बनाया और अभी शाम के लिए भी रुका था क्योंकि यहाँ शाम का नज़ारा देखना था, ये जो लाइट वगैरह जल रही, तो इस नज़ारे को भी दिखाना था आप लोगों को, इसलिए मैंने इतना समय तक रुका। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी और भी वीडियो में मिलते रहेंगे ऐसे। और इस गार्डन से जैसे निकलते हैं तो बहुत सारी सुविधाएं मिलती है आपको खाने के लिए, जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, तो हम भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जापानी नाश्ता जो भी है, वड़ा पाव वगैरह मुंबई में तो जानते हैं फेमस है, तो देखते हैं क्या है खाने के लिए, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।